हेलो गाइस एंड स्वागत आप सबका मेरे चैनल रफ मैन प्लेज में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थिंग्स यू शुड नेवर डू इन मॉन्स्टर मास्टर। तो अभी थोड़े दिन पहले सीजन एंड हुआ था, तो बेसिकली सब न्यू प्लेयर आ रहे थे। तो जो प्लेयर मुझे आया था, मतलब अपोनेंट में आया था, उसने वो सारी चीज़ें कर दी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि वो गलती आप लोग दोबारा ना दोहरे। तो ज़्यादा तो कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए। और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बचे हैं मेरे 2K सब्सक्राइबर होने के लिए। तो क्या कर रहे हो यार, उस सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बस सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना क्योंकि रीच बढ़ती है। तो बस इतना ही, इन्जॉय द वीडियो। तो मिस्टेक नंबर वन, तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि इसने लूंड्रा के साथ टेलविंड को यूज़ करा। लूंड्रा के पास पता नहीं टेलविंड रखा भी क्यों है। ये पहला बंदा है, मतलब पूरे गेम में बस एक ही होगा जो टेलविंड यूज़ कर रहा है लूंड्रा के साथ, क्योंकि लूंड्रा ओपी बस्ती 3 अटैक की वजह से होता है, फ्रीज, एक को फ्लाई या तो फ्रीज हीलिंग बबल फ्लाई। इन ये दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन रख लो, अगर इन तीन में से तुमने कोई एक अटैक हटा लिया तो लूंड्रा उतना ओपी नहीं रहता जितना वो एक्चुअल में है। और टेलविंड रखना मतलब समझ हार ही गए समझो तुम, लूंड्रा कुछ काम का ही नहीं है, तो इसलिए कभी मत करना ऐसा। मिस्टेक नंबर टू, अगर यानसामा लो हेल्थ पर है तो कभी भी ऐसे अटैक यूज़ मत करो जो यानसामा को ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे स्लैश लो डैमेज अटैक है और यानसामा का बस 7 HP बच गई, मतलब समझ रहे हो, बस 7 HP, इसके बाद होने वाला है सोल स्विच, आधा हो भी चुका है तो 7 HP बचेगी, फिर बस एक शैडो स्पाइक का काम बचेगा। ऐसे मोमेंट पे या तो तुम अपने मॉन्स्टर को स्विच कर दो किसी ऐसे मॉन्स्टर पर जिसकी HP यानसामा से भी कम है, और अगर तुम एक्सोरो लेके खेलो तो तुम्हारे पास थोड़े से चांसेस है कि तुम डबल डैश यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके भी ज़्यादा कुछ चांस है नहीं कि होगा ही नहीं। फिर भी स्लैश नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसने उसको लगा कि स्लैश से वो मुझे ख़त्म कर देगा, लेकिन सिर्फ 7 HP बच गई, तो बस अब एक शेडो स्पाइक का काम है, उसके बाद गेम ख़त्म। तो मिस्टेक नंबर थ्री, अगर आप जिएशन लेके खेल रहे हो तो उसके आर्मर को कभी भी गिरने देना नहीं चाहिए। अगर एक बार उसका आर्मर गिर गया तो आपका जो अपोनेंट है वो पूरा ट्राई करेगा आपको डैमेज करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करने का ट्राई करेगा, तो इसलिए आर्मर को गिरने से पहले आपको आर्मर को यूज़ कर लेना है। तो इसने आर्मर गिरने दिया और मैं तो अर्थ क्विक मार रहा था, तो इसका तो बूमबाम हो जाएगा अभी। तो अभी एक और मिस्टेक है जो दूसरे मैच में है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूं, वो तो बहुत ज़्यादा ही भयानक है।
ये है लास्ट मिनट मिस्टेक इस वीडियो की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस जो मेरा जो अपोनेंट है उसने 4 रो रखा है 20 रो के सामने। तो 4 रो वो डायरेक्ट हिट मार्च मतलब डॉज नहीं कर सकता हो, तो बॉडी स्लैम को डॉज ही नहीं कर पाएगा। तो मिस्टेक तो बहुत बड़ी दिख रही है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बॉडी स्लैम और कुकी बीम और गेम ख़त्म। Thank you.